ये युक्ति है क्या और इसका नाम मौन मंत्र ही क्यों रखा गया है? मौन मंत्र रणनीति का उपयोग करके हम लोग अपना दो तिहाई समय बचा सकते हैं। बस शेष क्या बचेंगे, मौन किनको किया जाएगा, दोहराव वाले प्रश्न किसको हम कहेंगे। एक किताब को 10 बार पढ़ना ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाय 10 किताब के एक बार पढ़ने के। अगर हम आपसे कह दें कि नहीं 25 घंटा पढ़ना जरूरी है तो क्या आपके लिए संभव है? हम लोगों ने एक टैगलाइन भी दिया, कम भी कारगर। नमस्कार साथियों, घटना चक्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। घटना चक्र अपने नवाचार के लिए बहुत प्रसिद्ध रहा है। हम नए नए तरीके से स्टूडेंट के लिए सुलभ पाठ सामग्री उपलब्ध करवाने का प्रयास करते हैं। इसी क्रम में हमारे साथ एक स्ट्रेटजी है जिसका नाम है मौन मंत्र, और उसके संदर्भ में बात करने के लिए घटना चक्र के चीफ एडिटर सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहला सवाल यही है कि ये युक्ति है क्या और इसका नाम मौन मंत्र ही क्यों रखा गया है? जैसा कि एक बात बहुत ज्यादा प्रचलित है प्रतियोगिता जगत में कि क्या पढ़े से ज्यादा महत्वपूर्ण है क्या ना पढ़े, तो जो क्या ना पढ़े का हिस्सा है उसी को हम लोगों ने एक शब्द में नाम दिया है मौन, और उससे संबंधित जो रणनीति है वह मंत्र है, यानी मौन मंत्र, यानी क्या ना पढ़ने की स्ट्रेटजी ही है मौन मंत्र। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या ना पढ़ें, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, तो इसके पहले यह भी डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या पढ़ें। तो अगर ढेर सारी विषय की पाठ्य सामग्री है आपके पास तो क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें का निर्धारण करना ही मौन मंत्र है। सर, मतलब इंफॉर्मेशन, जो कि ये डिजिटल युग है, इंटरनेट का युग है, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक क्लिक पर जो है आ जाती है, बिल्कुल, तो इसको और थोड़ा सा विस्तारित करके थोड़ा समझाने का प्रयास करिए सर। देखिए, ठीक कहा आपने कि आज के इंटरनेट के युग में किसी एक विषय पर टनों सामग्री अवेलेबल, और सर अलग अलग सामग्री, कोई कुछ अलग अलग विषय पर, अलग अलग सब्जेक्ट पर, अलग अलग बिंदु पर, आप कह सकते हैं अलग अलग पॉइंट पर टनों सामग्री अवेलेबल है, तो ऐसी दशा में यह कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ जाता है। एक जमाने में इस बात की जरूरत होती थी कि सामग्री की अनुपलब्धता एक इंपॉर्टेंट बात हुआ करती थी, लेकिन आज क्या है, आज सामग्री की ज्यादा उपलब्धता एक समस्या है। तो ऐसी स्थिति में मौन मंत्र ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। यहां मौन मंत्र से आशय है कि क्या ना पढ़े का निर्धारण करना। अब क्या ना पढ़े यह निर्धारित करने के लिए हम साथ ही यह भी निर्धारित कर लेते हैं कि क्या पढ़े। जब एक बार यह निर्धारित हो जाता है कि क्या पढ़े, तो एक दूसरी बात जो हमारे सामने आ जाती है, जो प्रतियोगिता जगत में प्रचलित है, वह बात कौन सी है? वो बात है कि एक किताब को 10 बार पढ़ना ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाय 10 किताब के एक बार पढ़ने के। तो जब हमारे पास ये निर्धारित हो गया कि क्या पढ़ें, तो उसी चीज को हम लोग बार बार पढ़कर उसमें पारंगत हो सकते हैं और अपनी तैयारी की दिशा को नया धार दे सकते हैं, नई धार दे सकते हैं, और अपनी सफलता को सुनिश्चित करने में ये बात ज्यादा सहायक सिद्ध हो सकती है। मौन मंत्र उसी दिशा में की गई एक युक्ति है जिसको हम लोग विस्तार से बताएंगे। सर, आमतौर पर परीक्षार्थियों के संदर्भ में, प्रतियोगियों के संदर्भ में ये कहा जाता है कि उनको बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत पड़ती है, कोई 10 घंटे बताता है, कोई 12 घंटे, कोई 15 घंटे, तो जो मौन मंत्र का मामला आप बता रहे हैं सर, इसमें ये बता रहे हैं कि कम पढ़ना ज्यादा महत्वपूर्ण है और क्या पढ़ना ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो क्या ये दोनों चीजें सर एक अथक परिश्रम के बीच कंट्रडिक्शन नहीं है? नहीं, देखिए ऐसा है कि अगर हम आपसे कह दें कि नहीं 25 घंटा पढ़ना जरूरी है तो क्या आपके लिए संभव है? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं संभव। एक सीमा होती है आपके अध्ययन की, अब उस सीमा के तहत, किसी की सीमा अलग अलग हो सकती है कि कोई 12 घंटे पढ़ सकता है, कोई 10 घंटे पढ़ सकता है, लेकिन कोई 24 घंटे नहीं पढ़ सकता।
और कोई 4 घंटे केवल पढ़ता है तो वो इस बात की अपेक्षा भी ना करेगी सिलेक्शन हो जाए। तो जो सीमा है उस सीमा की भी एक दायरा है जो कि 8 घंटे से लेके 12 घंटे के बीच में कहीं हो सकता है। तो उस दायरे का के अंतर्गत रहते हुए अपनी सीमा को पहचानते हुए यह बात तो निश्चित है कि वो सीमित है, समय सीमित है। तो समय सीमा जो आपके पास है, जो आपकी क्षमता के अनुरूप है, उसका सदुपयोग करना इंपॉर्टेंट बात है, महत्वपूर्ण बात है। तो उसमें इस बात का निर्धारण करना बहुत जरूरी है कि हम किन चीजों को ना पढ़ें। अब ये अलग विषय बनता है कि कैसे ये निर्धारित करें कि किसे ना पढ़ें और किसे पढ़ें। क्योंकि इसमें मौन शब्द जो आ रहा है सर, इसमें एक मौन शब्द आ रहा है इस रूप में कि आजकल आप जब देखेंगे एक दिवसीय परीक्षाएं अगर आप देखें तो उसके 50-50 सेट होते हैं। अब प्रायः देखा गया है कि इतने प्रश्न वो लाएंगे कहां से। तो एक सेट में अगर किसी विषय के एक टॉपिक से प्रश्न बना लेते हैं तो फिर संख्याएं या कुछ और बातें बदल करके हर सेट में उसी तरह के प्रश्न रख देते हैं, यानी रिपीटिशन बहुत ज्यादा होता है। कंसेप्ट सेम होता है, कंसेप्ट सेम होगा। मैथ में अगर आप देख लीजिए तो संख्याएं बदल करके बार बार उसी को दूसरे सेट में रखते चले जाते हैं। तो अब एक ही प्रश्न है, मान लीजिए प्रतिशत का 25 तरह के अगर प्रश्न बनते हैं प्रतिशत में और उसमें एक प्रकार कोई है और उससे रिलेटेड 50 सेट में 15 बार वो प्रश्न आ गया, तो अब आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है कि उस 15 बार में से जो 14 बार रिपीट हुआ उसको हम अलग कर दें, उन प्रश्नों को मौन कर दें, शांत कर दें और उस एक प्रकार पर विशेष ध्यान दें, तो वही मुखर प्रश्न हो गया। अब बाकी को हमने मौन कर दिया और यह रणनीति ही मौन मंत्र है जिसको हम लोगों ने अप्लाई किया और तमाम तरह की परीक्षाओं में हम इसको अप्लाई कर रहे हैं। सर अभी कुछ लेटेस्ट किस में अप्लाई किया गया है? अभी हम लोगों ने SI की परीक्षा में अप्लाई किया है कि बार बार पूछे गए प्रश्नों को हटा दिया है। इसमें 2 तरह की रणनीति अपनाई गई है, एक मैथ और रीजनिंग में अलग अलग, और इसी तरह से हिंदी मूल विधि और सामान्य ज्ञान में अलग। मैथ रीजनिंग में हम लोगों ने क्या किया कि एक तरह के सारे प्रश्नों को अलग छांटा गया और उसको एक कोड दिया गया और फिर रिपीटेड प्रश्न देखा गया कि एक ही प्रकार पर जो यूनिक प्रश्न थे जो बार बार पूछे गए, कितने प्रश्न पूछे गए जो रिपीटेड थे, बार बार पूछे गए थे, उनको समान कोड दे करके हम लोगों ने चिन्हित किया। तब इस प्रक्रिया में यह पता चला कि अगर 1/3 प्रश्नों को हम लोग पढ़ लें तो सारे प्रश्न उसमें कवर हो जाते हैं। यानी इस तरह से मौन मंत्र रणनीति का उपयोग करके हम लोग अपना 2/3 समय बचा सकते हैं, 1/3 समय लगा सकते हैं। तो इस तरह से समय हमारा 2/3 बच सकता है। अच्छा सर, जैसे आप कह रहे हैं कि जो प्रश्न रिपीटेड हैं उसको उसमें से एक यूनिक क्वेश्चन उठा लिया गया, हाँ, तो सर जो बाकी प्रश्न है उसके लिए क्या स्ट्रेटजी है? देखिए, अब जो यूनिक प्रश्न है अगर आपने पढ़ लिया उनको जी, तो अब आपके लिए ये जरूरी हो जाता है कि आप जान सकें कि जो हमने पढ़ा वो हमने रिटेन किया कि नहीं। बिल्कुल सर, वो हमने आत्मसात किया कि नहीं, वो हमारे हमको वो आ गया कि नहीं। तो उसको देखने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? सर्वोत्तम तरीका है कि फिर से उन प्रश्नों को लगा करके देखा जाए। तो इसके लिए हम लोगों ने रिपीटेड प्रश्नों से टेस्ट बना दिए हैं जो कि हम लोगों के ऐप पर आप पा सकते हैं, वो अवेलेबल है, और टेस्ट देकर आप जान सकते हैं कि जो यूनिक प्रश्न हम लोगों ने निकाल के रखे थे जिनको आपने पढ़ लिया है वो किस हद तक आपने आत्मसात किया।
क्योंकि ऐप पर जब आप टेस्ट देते हैं तो तुरंत रिजल्ट आ जाता है, तुरंत परिणाम आ जाता है, तुरंत आपकी रैंकिंग आ जाती है। और रैंकिंग नो डाउट अच्छी आएगी क्योंकि आप उस एक तिहाई प्रश्न को कई बार पढ़ चुके हैं। मतलब सर, एक पुस्तक तो दी गई है लेकिन साथ साथ ये मंत्र जरूर दिया गया है कि आप इस मंत्र को अप्लाई करें पढ़ने में। हाँ। कि एक चीज को बार बार आप जो है पढ़ें। बिल्कुल बिल्कुल, एक बार एक चीज को बार बार पढ़ें। अब देखिए, आप इतनी बार पूछ रहे हैं एक ही बात को, अब मैं कहानी के माध्यम से आपको बताता हूं। जी। जैसे फकीर से किसी ने पूछा कि यार बड़ी जल्दी में मैं हूं और कोई सार की बात कह दो, मेरे पास समय नहीं है। तो फकीर मौन रहा, तो उसने कहा कुछ बताते क्यों नहीं। तो फिर वो कहा कुछ शब्दों में तो बोलो, तो उसने कहा मौन, लेकिन यह भी एक दोहराव है, चाहे चुप रह करके हम बता दें मौन, और चाहे मौन कह करके बता दें कि मौन। तो कहा नहीं भाई, इससे बात नहीं बनेगी, आप सार की बात कहिए। तो उसने कहा मौन मौन मौन, यानी जब सार की बात ही मौन है तो उसको हम चाहे जितनी बार कहें वो दोहराव होगा। ठीक इसी तरह से अगर कोई प्रश्न एक बार आपने पढ़ लिया और वही प्रश्न बार 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 पूछा गया, तो जितनी भी बार पढ़ेंगे आप वह उसी को पढ़ेंगे। अब उसी को आप पढ़ेंगे तो उन प्रश्नों को हटा दीजिए आप, उसके बजाय जितने टॉपिक्स में जितने ज्यादा प्रकार के प्रश्न हैं पहले उनको पढ़ लेना बहुत जरूरी है, फिर बाद में नंबर आता है कि उसी को बार बार पढ़ें। और बार बार पढ़ने के लिए हमने आपको बता दिया है कि उसके लिए टेस्ट दीजिए, मतलब पहले आप एक बार तो जैसे फकीर ने कहा सार की बात यही है कि मौन का मतलब बार 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 कहा जाए किसी बात को तो उससे बात नहीं बनेगी, दोहराव, एक बार दोहराव की जरूरत नहीं। सर, एक आमतौर पर एक और प्रश्न है कि लगभग 10-12 लाख 15 लाख कम से कम परीक्षार्थी किसी भी एग्जाम में आजकल सम्मिलित होते हैं, और कंपटीशन सर 1-1.5 लाख लोगों के बीच में होता है। बिल्कुल। और जब परीक्षार्थी परीक्षा हाल में जाते हैं तो कई बार उनको ऐसा लगता है कि हमने सवाल पढ़ा तो है, कहीं हमारी आँख से सामने से गुजरा तो है, लेकिन वो सवाल वो गलत करके आ जाते हैं। और उससे होता क्या है कि सिलेक्शन का वही 2-3 नंबर ही आपको बाहर भी कर देता है और आपको अंदर भी ले लेता है, उसमें ये कैसे सहायक है? देखिए, जब आप बिना किसी रणनीति के बहुत ज्यादा मात्रा में प्रश्नों को पढ़ने की कोशिश करते हैं तब ऐसा विस्मरण हो जाना बहुत स्वाभाविक है। जब आपके पढ़ने की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाएगी तो यह स्वाभाविक है, तो ऐसे में ये स्ट्रेटजी और कारगर सिद्ध हो जाती है, कैसे हम उन चीजों को कम कर लें जिन पर हमें ज्यादा ध्यान देना है, जिन पर हमको विशेष ध्यान देना है। जब ये बात निर्धारित हो जाएगी तो ज्यादा ध्यान देने वाली चीजों को जब हम बार बार ध्यान देंगे तो वह हमारे स्मृति खंड में कलेक्ट हो जाएगा और ऊर्जा आपकी बचेगी, एग्जामिनेशन हॉल में वो ज्यादा पुख्ता ढंग से हमें याद आ सकेगा, तो इसलिए ये कारगर होगा। वहां सर, क्या ये अभी तो एसआई की बात आपने की, आगे क्या कार्य योजना है इस तरह की? प्रत्येक प्रकार की परीक्षा में हम लोग इस बात को लागू करेंगे, यानी कि दोहराव वाले प्रश्नों को हटाना और उन प्रश्नों को जो बार बार पूछे जा रहे हैं उनको अलग रखना और उनके महत्व को बताना परीक्षार्थियों को, जिससे वो बार बार पढ़ करके उन चीजों को ज्यादा पुख्ता ढंग से तैयार कर सके। लेकिन इस क्रम में ये कतई मत समझिए कि हम किसी भी प्रश्न को छोड़ेंगे, अगर कोई प्रश्न एक बार भी आया है तो उसको भी हम एक बार रखेंगे, कोई प्रश्न 10 बार आया है तो उसको भी हम एक बार रखेंगे। तो एक बार आया हुआ प्रश्न भी है, 10 बार आया हुआ भी प्रश्न है, मतलब कोई यूनिक क्वेश्चन बचेगा नहीं, कोई यूनिक प्रश्न नहीं बचेगा, यानी कोई ऐसा प्रश्न नहीं बचेगा जो 50 सैकड़ों सेट में आया हुआ हो। बस शेष क्या बचेंगे, मौन किनको किया जाएगा, दोहराव वाले प्रश्न किसको हम कहेंगे,
उन प्रश्नों को कहेंगे जो एक से ज्यादा बार आए। देखिए अलग अलग वीडियोस के माध्यम से जैसे हम लोगों के संस्थान द्वारा समझाए जा रहे हैं, तो इसी कड़ी में जो और वीडियोस आएंगे और समझाने की बातें होंगी उनको समझ करके इस स्ट्रेटजी को आप जान सकते हैं। हाँ, किताब को देख करके आप ज्यादा जान सकेंगे, क्योंकि प्रत्येक पुस्तक में आप देखेंगे कि किस तरह से रिपीटेड और यूनिक प्रश्नों को अलग अलग किया गया है। इनको हम बहुत से नाम दे सकते हैं, ये तो एक मौन शब्द दे दिया गया, अदरवाइज एकदा बहुधा कह सकते हैं कि एक बार आए हुए प्रश्न, बहुत बार आए हुए प्रश्न, या एक बार आए हुए प्रश्न, एक से अधिक बार आए हुए प्रश्न, या हम कह सकते हैं कि प्रत्यावर्तन, जिनकी प्रत्यावर्तिता ज्यादा है, ऐसे प्रश्न, यूनिक प्रश्न, रिपीटेड प्रश्न, कुछ भी कहिए, ये उस बात को इंगित करते हैं कि कैसे आपके ज्यादा पढ़ने की समस्या को हम कम करें। इसीलिए हम लोगों ने एक टैगलाइन भी दिया है, कम भी कारगर भी। आपका कम भी रहेगा और कारगर भी रहेगा, ये दोनों चीजें अगर एक साथ हो जाए तो ये सफलता के लिए तो एकदम रामबाण सिद्ध होगा। तो ये थे सर हमारे चीफ एडिटर सर, जिन्होंने एक नई स्ट्रेटजी आपके समक्ष रखी, मौन मंत्र। आप इसी तरह की स्ट्रेटजी से दो चार होते रहेंगे और हम इसी तरह के वीडियोज लेकर आते रहेंगे। अगर चैनल पर आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें। नमस्कार। जय हिंद सभी प्यारे विद्यार्थियों को, मैं संजीव सिंह, आप सबका स्वागत है समसामयिक घटना चक्र पर। तो यहाँ पर हम लोग क्लास ले रहे हैं SSC 2024 के लिए, और मौन मंत्र की जो योजनाएं चालू हुई हैं उन्हीं योजनाओं के तहत हम लोग यहाँ पर क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग देखिए पढ़ रहे थे डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम, और जहाँ तक हम लोग पढ़े थे आज उसके आगे फिर कंटिन्यू करेंगे, और आज हम लोग लगाएंगे क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे, बाकी जो जो क्वेश्चन आगे आएंगे फिर उसमें जो भी चेंजेस रहेंगे हम लोग वहाँ पर नियम कानून समझते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग बारी बारी से और जो क्वेश्चन आप लोग पढ़ेंगे, और सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि आप जाकर ये किताब जरूर ले लीजिए मार्केट से, क्योंकि ये किताब आपका मौन मंत्र जो यहाँ पर युक्त लिखा गया है ये इतना इंपॉर्टेंट है आपको आपके लिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़े समस्या का समाधान है भाई। जहाँ 10-10 हज़ार क्वेश्चन का भंडार आपके सामने था ना, जहाँ 10-10 हज़ार क्वेश्चन का भंडार आपके सामने था, उन भंडार से आपको मुक्ति मिल चुकी है। इतना क्वेश्चन आपको पढ़ना नहीं है, आपको बहुत कम क्वेश्चन पढ़ना है। जैसे मान लीजिए आपको जो एग्जांपल दिया गया था फल और टोकरी वाला, कि एक बड़े से फल में कम से कम 8 प्रकार के फल रखे गए हैं, इसमें केला, अंगूर, संतरा, सेब और नाशपाती, लीची उची रखे गए हैं, और हर फल कई तरह के रखे गए हैं, और किसी आदमी से कहा जाए कि बताइए इन फलों को खाकर कि इनका टेस्ट कैसा होगा, तो आदमी उतने बड़े फल को देखकर घबरा जाएगा, बोलेगा कि भाई इतना फल को मैं अगर खा लूंगा तो मैं हो जाऊंगा बीमार, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, ये मेरे बस की बात नहीं है। तो इसका एक हल और है कि हम उस टोकरी से हर वैरायटी के एक एक फल को निकाल लें और उसको खा लें, तो मैं बता सकता हूं कि भाई हर फल का टेस्ट कैसा है। तो सेम उसी पैटर्न पर यहां पर इस बुक में वर्क किया गया है कि SSC अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चनों को हर वैरायटी के हिसाब से पहले अलग अलग छाटा गया है, और उन वैरायटी में से केवल एक एक क्वेश्चन को लिया गया है। अगर आप उन एक क्वेश्चनों को लगा लेते हैं तो बाकी उस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको आप बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए आपके लिए ये भी है कि जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति का टॉपिक पढ़ रहे थे, और उस टॉपिक में देखा जाए तो छोटा सा टॉपिक आपका है विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल। अब यहां पर अगर हम लोग बात करें, और देखिए ये जो यहां पर स्ट्रेटजी अपनाया जाता है घटना चक्र के द्वारा, ये आपको कहीं और किसी भी यूट्यूब चैनल पर, किसी भी और कोचिंग संस्थान में नहीं मिलेगा, इसको आप ध्यान दीजिएगा। जैसे यहां पर देखिए एक कॉन्सेप्ट है यूनिक का, रिपीटेड का, और यहां पर टोटल का। अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि भाई विभाज्यता से अब तक कितने क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, तो आप कहेंगे टोटल तो आए हैं 42 क्वेश्चन। टोटल कितने क्वेश्चन आए हैं? 42 क्वेश्चन आए हैं, लेकिन इन 42 में से 23 क्या है? यूनिक है। 23 अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन हैं, लेकिन इसमें 13 क्वेश्चन ऐसे हैं, उसमें 13 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इन्हीं में से रिपीटेड हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, रिपीटेड को नहीं पढ़ेंगे भाई। जब अगर हम 29 को पढ़ लेते हैं तो सेम इसी में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन को बार बार अंक बदल बदल के यूज किया गया है। अगर मेरा कॉन्सेप्ट इस पर क्लियर है तो हम इसको बिना लगाए बोल सकते हैं कि भाई इसको तो मैं लगा लूंगा, क्योंकि
इसको तो मैं लगा लूंगा क्योंकि मुझे ये आता है। अगर आपको यूनिक पता है तो रिपीटेड आप कर लेंगे गारंटी के साथ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। जैसे आप यहां पर देखिए, अगर यहां पर लिखा है संख्या भाज्य और अभाज्य, ठीक है, से कितने प्रश्न आए हैं, तो आप बताएंगे अभी तक 28 क्वेश्चन आए हैं, लेकिन इस 28 में से देखा जाए तो 16 क्वेश्चन आपके यूनिक हैं और 12 क्वेश्चन आपके क्या हैं, रिपीटेड हैं। तो आप 16 क्वेश्चन लगा लीजिए। अगर इसको आप नहीं भी लगाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप ये नहीं कि आपकी पढ़ाई अधूरा छूट गया है आप इसको नहीं लगाए, इसको पढ़ लीजिए ना, यूनिक पढ़ लीजिए, तो समझ लीजिए आप रिपीटेड आप छोड़ कर रखे हैं और छोड़े नहीं हैं आप अपनी समय और ऊर्जा का बचत किए हैं, ठीक है। चलिए अब इन बातों को आप डिटेल में समझ लीजिए। ऐसे हर टॉपिक में ये चीजें छाटी गई हैं, बताई गई हैं। जैसे यहाँ देखिए, ये है शेषफल पर आधारित प्रश्न। अगर शेषफल रिमाइंडर पर यहाँ पर बेस्ड क्वेश्चन दिया है, टोटल अभी तक 49 क्वेश्चन आए हुए हैं और 49 में से देखा जाए तो 24 आपके यूनिक हैं, 25 आपके क्या है, रिपीटेड है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन नहीं भाई, अब देखिए ये सब क्वेश्चन की वैरायटी है। जैसे आप लिखा है इकाई के अंक संबंधी प्रश्न दिया है, संख्याओं के औसत से दिया है, संख्या संबंधी दिया है, गुणनखंडों की संख्या दिया, अनुपात पर आधारित। तो ये सब क्वेश्चन के अलग अलग टाइप है, अलग अलग वैरायटी है और इसमें यूनिक रिपीटेड टोटल पूरा कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। चलिए तो ये आपके लिए बहुत ही अनोखी चीज है जिससे कि आपका समय बचेगा, आपकी एनर्जी बची रहेगी और उस समय और एनर्जी को आप अच्छे जगह यूज कर सकते हैं, ठीक है, और भी सब्जेक्ट में आप यूज कर सकते हैं। तो इस टॉपिक को देखा जाए तो ये टॉपिक का नाम है विभाज्यता का नियम। क्या नाम है भाई? विभाज्यता पर आधारित प्रश्न, डिविजिबिलिटी रूल आपसे पूछा गया है। भाई क्या है? दो से कटने वाली संख्याएं, तीन से कटने वाली संख्या, चार से, पांच से, डॉट 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 डॉट, आगे भी इस तरह की कई संख्याएं हैं। मतलब कौन संख्या किससे कट सकता है आपको यही बताना है। तो चलिए इनके बारे में हम लोग कल क्लास लिए थे और कुछ चीजें जो अब बची हुई हैं उनको जो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम लोग वहां पर चीजों को देख लेंगे। अब देखिए पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखा जाए तो SSC फेज 11 27 जून 2023 में पूछा गया है, थर्ड शिफ्ट में। अब भाई क्या है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या चार से विभाजित नहीं है। अब आपको पता होना चाहिए कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ फोर क्या कहता है, चार से कटने वाली संख्याओं की पहचान क्या है। तो आपको मैंने कल बताया था कि कोई भी संख्या दिया रहे, कोई भी संख्या दिया रहे, उसके लास्ट के दो नंबर, भाई कोई भी संख्या दिया रहे उसके लास्ट के दो नंबर अगर चार से कट रहे हैं, अगर चार से कट रहे हैं तो पूरी संख्या आपकी चार से कट जाएगी। अगर लास्ट के दो नंबर आपके चार से नहीं कट रहे हैं तो पूरी संख्या चार से नहीं कटेगी। तो यहां पर जो ऑप्शन में दिया गया है, हमें ऑप्शन में सभी नंबरों पर ध्यान नहीं देना है, हमको केवल लास्ट के दो नंबर को चेक करना है। भाई यहां पर देखा जाए तो 72 लिखा है और 72 में अगर हम चार से भाग देंगे तो ये पक्का कट जाएगा। भाई चार एक कम चार, तीन बचेगा, चार अठे 32। चलिए ये तो चार से कट जा रहा है, चलिए ये कट गया। अब इसको चेक करिए, यहां पर देखकर देखें हम लोग तो 94 है, 94 है, चार दुनिया 8 हो गया, एक बचेगा 14 हो जाएगा। चलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये देखिए ये आपका 94 जो है वो 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है। बाकी दो ऑप्शन और हैं, आइए उनको भी चेक कर लेते हैं। यहां पर देखें 92 है, अगर इसमें हम चार से भाग देंगे तो चार दुनिया 8 होगा, एक बचेगा 4 3 12, ये भी कट जाएगा। यहां पर 16 में अगर चार से भाग देंगे, 4 4 16, ये भी कट जाएगा। तो केवल ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, सी ऑप्शन ऐसा है जो चार से डिवाइड होने वाली संख्या नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाजित नहीं है। अब कभी भी जब आप एग्जाम देने जाइएगा तो एग्जाम में क्वेश्चन को इतने जल्दबाजी में मत पढ़िएगा कि आप नहीं को इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि होता क्या है कि नहीं लास्ट में लगा रहता है और जब हम लोग क्वेश्चन एग्जाम में पढ़ते हैं तो समय का प्रेशर रहता है, तो जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ें और सॉल्व कर दें। तो आप पढ़ेंगे निम्नलिखित में से कौन संख्या 6 से विभाजित होती है या है, आप नहीं पर ध्यान नहीं देते हैं और उसी केस में आपका आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। तो क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत ही बारीकी से, ईमानदारी से, ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, नहीं सारा मेहनत आपका व्यर्थ हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन देखिए 2023 से पूछा गया है SSC CHSL में। यहां पे क्या लिखा है भाई, पूछा है 6 से नहीं कटेगी, तो 6 से नहीं कटने का नियम क्या है या 6 से कटने का नियम क्या है। आप यही जान लीजिए कि कोई संख्या 6 से तब कटेगी कोई संख्या 6 से तब कटेगी जब वह संख्या 2 और 3 से कट रही हो, ठीक है, क्योंकि जो संख्या 6 बना हुआ है ये 6 आपका 2 और 3 के मल्टीप्लाई से बना हुआ है, 2 और 3 का गुणा करने पर 6 बनता है। तो आप बता सकते हैं कि जो संख्या
दो से भी कटे और तीन से भी कटे, दो से कटे और तीन से भी कटे, वही संख्या छह से कटेगा। तो चलिए, अगर आपको चेक करना है कि छह से कौन नहीं कटेगा, तो आपको यह बताना होगा कि जो दो और तीन से नहीं कटेगा। तो दो से कटने का पहचान क्या है? दो से कटने का पहचान यह है कि इकाई के अंक पर, यूनिट डिजिट में, या तो कोई इवन नंबर हो या तो जीरो हो। तो आप देख रहे हैं कि भाई सब में क्या है? इवन नंबर है। चलिए, दो से तो सभी कट रहे हैं, हमको तीन से चेक करना है। और तीन से चेक करने का पहचान क्या है कि कोई भी संख्या दिया है, अगर उनके नंबरों का टोटल तीन से डिवाइड हो जा रहा है तो संख्या तीन से कटेगी। चलिए इसको चेक करते हैं। देखिए, अगर इसको काटा जाए तो नौ तीन से कट जाएगा, सात और दो नौ हो गया, तीन दो पांच, पांच और एक छह, तीन दो पांच, पांच एक छह। देखिए, ये तीन से भी कट रहा है, दो से भी कट रहा है, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, छह से नहीं कटना चाहिए। चलिए, ये देखिए, नौ हो गया, सात दो नौ हो गया, तीन हो गया, दो और एक तीन, ये भी तीन से कट जा रहा है। चलिए आगे चेक करते हैं भाई। और यहां पे देखिए, यहां पे देखिए, पांच और पांच दस, दस और आठ अठारह, अठारह आपका तीन से कट रहा है, लेकिन देखिए दो तीन से नहीं कट रहा है, तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन थर्ड कहां दिया है मेरे भाई? ऑप्शन डी में दिया है। अगर आप इसको चेक करना चाहें, इसको भी देख लीजिए। देखिए, नौ कट गया, आठ और एक नौ कट गया, सात और एक आठ, आठ चार बारह, बारह भी तीन से कटता है। तो आप कहेंगे कि ये पहला, दूसरा और चौथा, ये तीनों जो संख्याएं थी, ये छह से डिवाइड हो रही हैं, लेकिन इसमें जो ऑप्शन आपका दिया था, थर्ड वाला क्वेश्चन दिया है, ये वाला आपका थर्ड सिक्स से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहां पर क्या लिखा है? लिखा है कि 24,963 और यहां पर 24,973, 24,983 और 24,993 में से कौन सी संख्या सात से विभाजित है? सात से पूछ रहा है कौन सी संख्या कटेगी। तो एक बात बता दें आपको, सात से डिविजिबिलिटी रूल आपको कल मैं बताया था कि कोई भी संख्या दिया है, एक बार फिर से समझ लीजिए, कोई भी संख्या दिया है उनका क्या करेंगे हम लोग, राइट साइड से ग्रुपिंग करते हैं। आपको सारी बातें कल बताई गई थी। अगर एक बात, एक काम करिएगा, आपको अगर डिविजिबिलिटी रूल पढ़ना है तो आप पहली क्लास को देख लीजिएगा, उसमें सारे नियम, सारे लॉजिक बताए गए हैं, उनको अगर आप देख लेंगे तो यहां पर क्वेश्चन को बड़ी आसानी से आप कर लेंगे। ठीक है, और बाकी इसको एक तरीका से और लगा सकते हैं कि भाई सात से कटने का पहचान क्या है, आपको मैं बता देता हूं। जो भी संख्या दिया है, जो भी संख्या दिया है, उसके इकाई के अंक पर जाइए। इकाई का अंक क्या लिखा है यहां पर मेरे भाई? थ्री लिखा है। क्या लिखा है? थ्री लिखा है। तो हम क्या करेंगे, इस थ्री का दुगुना कर देंगे, तो तीन का दुगुना कितना हो जाएगा? छह। और इस बाकी में से घटा दीजिए, तो बाकी क्या है आपका? 2499। इसमें से अगर छह कम कर देंगे, क्या कर देंगे? छह कम कर देंगे। अब देखिए, तो घटाएंगे कितना आएगा यहां पर? यहां पर आ जाएगा तीन, यहां पर नौ, यहां पर चार, यहां पर दो। अब इसको सात से काट दीजिए, इसको क्या कर दीजिए, क्योंकि देखिए एक बात आप जानते रहिए कि संख्या छोटी थी, ये संख्या छोटी थी, तो ग्रुपिंग करना पॉसिबल नहीं था भाई। ग्रुप बहुत बड़ा बनता है, ग्रुप यहां पर संख्या छोटी है, तो तीन तीन का अगर ग्रुप बनाएंगे तो एक ग्रुप बनेगा, दूसरा वाला छोटा पड़ जाएगा, दूसरा वाला क्या पड़ जाएगा? छोटा पड़ जाएगा। तो देखिए, इसको अगर भाग दीजिएगा, अगर सात से भाग देंगे तो सात त्रिक 21 हो जाएगा। सात से भाग दीजिए, सात त्रिक क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। क्या बचेगा आपके पास? तीन बचेगा। और यहां पर लिखेंगे आप नौ, सात पच्चे 35 हो जाएगा। क्या बचेगा आपके पास? चार बचेगा, और यहां हो जाएगा तीन। तो चलिए, पहला वाला तो नहीं कटेगा, पहला वाला नहीं कटेगा। दूसरा वाला देख लीजिए भाई, दूसरा वाला देख लीजिए, यहां पर क्या है? 24,983 है, इसका दोगुना करेंगे तो हो जाएगा छह, इस तीन का दोगुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा? छह हो जाएगा। और इस छह को क्या कर देंगे? 24,998 में से जब घटाएंगे छह, तो क्या बचेगा? 24,906 बचेगा। ठीक है, इसमें सात से भाग दे दीजिए, इसमें क्या कर देंगे? सात से भाग दे दीजिए, यहां पर सॉरी, यहां पर दो आएगा। अगर 98 में से घटाएंगे छह तो आएगा यहां पर कितना? 92 आएगा। सात से भाग दीजिए, और यहां पर सात तरीके 21 हो जाएगा। क्या बचेगा आपका? तीन बचेगा, यहां पर हो जाएगा नौ, और सात पच्चे 35 हो जाएगा आपका। क्या बचेगा आपका? चार हो जाएगा यहां पर, फिर नीचे आएगा दो, सात छंग 42। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा आपका? बी करेक्ट हो जाएगा। तो करना क्या है, जो भी संख्या दिया हुआ है इसके यूनिट डिजिट को देखिए क्या लिखा है। जो भी यूनिट डिजिट पर लिखा गया है इसका दोगुना कर दीजिए, इसका दोगुना कर दीजिए, और शेष संख्याओं में से घटाते चलिए, शेष संख्या में से घटाते चलिए, और जो बचेगा घटाने का उसमें सात से डिवाइड कर दीजिएगा। आपके क्वेश्चन का आंसर बड़े आसानी से आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहां पर लिखा है चौथा क्वेश्चन कि संख्याएं दी गई हैं और पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या आठ से विभाजित नहीं है, आठ से विभाजित नहीं है, और यह भी क्वेश्चन आपका 2023 में पूछा गया है। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ एट क्या कहता है? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ एट क्या कहता है?
कि कोई भी संख्या हो, उस संख्या के लास्ट के तीन नंबर अगर 8 से डिवाइड हो रहे हैं, उनके लास्ट के तीन नंबर अगर 8 से डिवाइड हो रहे हैं, या तो लास्ट के तीनों डिजिट क्या हो, 000 हो, तो भी वो संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि लास्ट में 3 जीरो तो कहीं नहीं दिख रहा है। चलिए अब एक काम करते हैं, अब हम क्या करेंगे भाई, लास्ट के तीनों नंबर में हमको 8 से भाग देना है। तो इसका 3 डिजिट लास्ट का ये है, इसका ये है, इसका ये। अब बारी बारी से आप भाग देकर चेक कर लीजिए भाई, बारी बारी से अगर आप भाग देकर चेक करेंगे तो देखिए कौन सा ऑप्शन होगा। पहला ऑप्शन ही होगा, कट जाएगा। पहला ऑप्शन ही होगा, कट जाएगा, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आप इसमें भाग देकर देख लीजिए, 8 से काटेंगे कितना आएगा भाई, 8 एक कम 8, 1 बचेगा 18 बन जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, फिर क्या बचेगा यहाँ पर 2। अच्छा कौन संख्या विभाजित नहीं होगी ये पूछा है ना, चलिए ये तो विभाजित हो रहा है, ये भी हो रहा है, और इसमें देखिए ये क्या होगा, 8 एक कम 8 1 बचेगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, फिर कितना बचेगा आपका 8 चौ 32, ये भी क्या होगा, ये भी विभाजित आपका। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका क्या होगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। पूछा कौन सा नहीं हो रहा है, तीन ऑप्शन तो कट जा रहे हैं, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, लेकिन ऑप्शन सी जो है आपका ये डिवाइड नहीं हो रहा है 8 से। चलिए ठीक है, तो जब क्वेश्चन को कभी लगाइएगा तो ध्यान दीजिएगा, जब क्वेश्चन में दिया रहे नहीं, जब क्वेश्चन में दिया रहे नहीं, तो बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, क्योंकि जल्दीबाजी में हम लोग क्या करते हैं कि नेगेटिव पर ध्यान नहीं देते, हम लोग पॉजिटिव आंसर करके निकल जाते हैं। और जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं लगातार जो आया हुआ है क्वेश्चन, सब में नहीं नहीं पूछा गया है कि कौन सा डिवाइड नहीं होगा, कौन सा डिवाइड नहीं होगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इन बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब देखिए यहाँ पर 5 नंबर का क्वेश्चन लिखा है, पूछा क्या है, इतनी संख्याएं यहाँ पर दी गई हैं, इनमें से कौन सी संख्या 11 से विभाजित है। चलिए 11 से विभाजित है, और ये भी क्वेश्चन देखिए एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया सवाल है। तो जितने भी क्वेश्चन मेरे भाई आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, वो सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और आप मैं बता दूं कि जब क्वेश्चन बनता है ना, तो हमेशा नए क्वेश्चन नहीं बनते हैं, उसमें से नए में से कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहते हैं। उसका फायदा ये होता है कि क्वेश्चन जब बनते हैं तो कई बार चेक होकर आते हैं, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देने के फायदा ये होते हैं कि वो क्वेश्चन अगर एग्जाम में दिया गया है तो वह ऑलरेडी क्वेश्चन चेक है, तो क्वेश्चन देने वाले को भी आसानी होती है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पढ़ाते हैं, जिससे कि बच्चे को ज्यादा से ज्यादा उसका लाभ मिल सके। ठीक है, अब चलिए यहां पर पूछा है कि 11 से विभाजित है, तब जो भी संख्या दिया गया है, जो भी संख्या दिया गया है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 क्या कहता है, ध्यान समझिएगा, कोई संख्या दिया है, कोई संख्या दिया है, और आपसे कोई पूछ दे कि यह संख्या 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो आप क्या करिएगा, आप जो संख्या दिया है उसको राइट साइड से 1 छोड़कर 1 जोड़ दीजिए, 1 छोड़कर 1 क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। अब जोड़ेंगे यहां पर तो कोई वैल्यू आएगा, मान लीजिए वैल्यू 1 आ गया। अब उसके बाद जो संख्या आप छोड़कर रखे हैं, जो संख्या आप छोड़कर रखे हैं, उनको भी जोड़ दीजिए, उनको भी क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। अब जब इनको भी जोड़ेंगे तो कोई वैल्यू आएगा आपका, मान लीजिए वैल्यू 2 आ गया, तो वैल्यू 1 और वैल्यू 2 का अंतर निकाल लीजिए। क्या निकालेंगे, वैल्यू 1 और वैल्यू 2 का क्या निकालेंगे, अंतर निकालेंगे। तो ये अंतर हो सकता है 11 आ जाए, या 11 का मल्टीपल, 11 का क्या हो जाएगा, मल्टीपल आ जाएगा, या तो वो संख्या क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 11 का मल्टीपल का मतलब हो सकता है 77 हो जाए, 44 हो जाए, 55 हो जाए, 66 हो जाए, इस तरह से कोई चीज आ जाए। ठीक है, मल्टीपल का मतलब ये होता है। तो अगर इनका अंतर 11 आ जाए, या 11 का मल्टीपल आ जाए, या तो 0 आ जाए, तो वो संख्या 11 से डिवाइड होगी। चलिए अब आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए पहले ऑप्शन को उठाते हैं, देखिए यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 9 है, इनको जोड़ दीजिए। तो 0 और 4 क्या हो गया भाई, 4, 9 और 4 कितना हो गया, 13, और 13 में अगर हम 9 जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 22 आ गया, यहाँ पर तो 22 आ गया। चलिए और भी जोड़ दीजिए, छोड़ के रखा है हमने उसको भी आइए जोड़ा जाए। तो यहाँ पर देखिए 5 और 2 कितना हो गया, 7, 7 और 5 कितना हो गया, 12। ठीक है, 7 और 5 कितना हो गया, 12। ठीक है, देखिए 5 2 7, 7 और 5 12, अगर 12 और 10 22 का अंतर निकालेंगे तो अंतर कितना आएगा, 10 आएगा, अंतर कितना आएगा, 10 आएगा। तो पहला ऑप्शन तो नहीं होना है, पहला ऑप्शन तो सही नहीं होना है। आइए दूसरा चेक करते हैं, इसको देखिए 0 और 3,
9 और 9 इनको जोड़िए भाई, 9 और 9 18 हो गया, 18 और 3 21 हो गया, 21 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 21 ही आएगा। तो चलिए इसकी वैल्यू हो गई 21। अब चलिए इनको जोड़ा जाए जो छोड़ के हमने रखा है, तो 3 और 2 5, 5 और 5 कितना हो गया 10। अब देखिए 21 और 10 का जब अंतर निकालेंगे तो क्या आएगा, 11 आएगा। और अभी अभी आपने देखा था कि जो इनका अंतर आना चाहिए वो अंतर या तो 11 हो, या तो 11 का मल्टीपल हो, और या तो 0 हो। तो ऑप्शन क्या हो गया आपका, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, छठा क्वेश्चन। यहाँ पे क्या लिखा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाजित है। ठीक है, एसएससी सीजीएल 2023 में ये क्वेश्चन देखने को मिला था। तो देखिए डिविजिबिलिटी रूल से लगातार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं, तो ये एक छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत ही मजेदार टॉपिक है। एक बार अगर नियम को समझ गए डिविजिबिलिटी रूल के, तो क्वेश्चन को आप कभी जीवन में छोड़ेंगे नहीं, उस क्वेश्चन को लगा ही लेंगे। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, पूछ रहा 9 से कौन सी संख्या कटेगी। तो 9 से कटने का पहचान क्या था, कि जो भी संख्या दिया जाता है उनके अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो हम आपको ये भी बताए हैं कि अंकों का योग हम लोग यहां पर तो कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए एग्जाम हॉल में गए और एग्जाम में समय का इतना प्रेशर रहता है कि हो सकता है कि उनका जब मैं टोटल करने जाऊं तो उतना समय का प्रेशर कि गलती से गलत जोड़ लें अंकों को, और जब गलत जोड़ लेंगे तो क्वेश्चन का आंसर सही नहीं दे पाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, जोड़ने का काम ही हटा देते हैं, हम इनको डायरेक्ट यही कैंसिल कर देंगे। जैसे देखिए 6 और 3 9 होता है, ठीक है, 8 और 1 9, यही ऑप्शन आपका क्या हो गया, कट गया 9 से। बाकी और भी चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं भाई, आप देख लीजिए। देखिए 7 और 2 9 होता है, 8 4 12, 12 और 3 कितना 15। चलिए ये तो नहीं कटेगा, 9 से 9 कट जाए, सही है। चलिए अब इनको जोड़िए, 8 और 6 14, 14 और 5 19, 19 और 2 21, ये भी 9 से नहीं कटेगा, 21 भी 9 से नहीं कटेगा। इसको देखिए 9 से 9 कट गया, 5 और 4 9 हो गया, 6 और 7 13 हो गया, ये भी 9 से नहीं कटेगा। केवल ऑप्शन आपका पहला सही होगा, केवल ऑप्शन क्या होगा आपका, पहला ही सही होगा। ठीक है, बाकी कोई ऑप्शन आपका 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 7 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, लिखा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से भाज्य है, 12 से डिवाइड हो रही है। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 12 क्या कहता है, ध्यान से पढ़िएगा, मैं बताया नहीं हूं आपको, आज बताने वाला हूं कि 12 से कटने का पहचान क्या है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि 12 अपने आप में स्वतंत्र संख्या नहीं है, 12 अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, यह किसी न किसी से मिलकर बना है। तो किससे मिलकर बना है, तो ये देखा जाए तो 4 और 3 का गुणा करने पर बना है, 4 और 3 का गुणा करने पर बना है। ठीक है, तो अब आपको बताना पड़ेगा कि जो संख्या 12 से कटेगी वह 3 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। भाई जो संख्या जो 12 से कटने वाली होगी वह 3 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। तो आपको डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 भी पता है और डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 भी पता है। चलिए अप्लाई करिए, तो आप पहले 3 से चेक करना चाहेंगे कि पहले 4 से चेक करना चाहेंगे। आपको 3 से चेक करने के लिए पूरे अंकों पर ध्यान देना पड़ेगा, और 4 से चेक करने के लिए आपको केवल लास्ट के 2 नंबर पर ध्यान देना है। आइए चलिए, तो हम लास्ट के 2 नंबर पर ध्यान देते हैं। अच्छा ये भी जान लीजिए, अगर मान लीजिए वो 3 से, अगर मान लीजिए 4 से डिवाइड हो भी गया और 3 से डिवाइड नहीं हुआ तो आप कहेंगे 12 से नहीं कटेगा। अगर मान लीजिए 4 से डिवाइड हो गया 3 से नहीं हुआ तो आप बोलेंगे 12 से नहीं कटेगा। मान लीजिए 4 से नहीं हुआ 3 से हो गया तो भी बोलेंगे 12 से नहीं कटेगा। 12 से तभी कटेगा जब 4 और 3 दोनों से कटेगा तब। ठीक है, चलिए अगर मैं 4 से देखूं तो 4 का नियम क्या है कि लास्ट के 2 नंबर 4 से कटने चाहिए, तो 23 तो 4 से नहीं कटेगा। अगर मान लीजिए ये 3 से कट भी रहा होगा, अगर ये 3 से कट भी रहा होगा तो क्या फर्क पड़ता है, ये तो 4 से नहीं कट रहा है तो 12 से नहीं कटेगा, हमको तो 12 को लेकर चलना है। इसको देखिए यहां पर लिखा है 78। ठीक है, अगर इसमें हम 4 से भाग दें तो 4 एकम 4 हो जाएगा, क्या बचेगा 3 बचेगा, और 3 जाके बन जाएगा 38, और 38 आपका 4 से नहीं कटता तो आप कहेंगे ये भी आपका 4 से नहीं कट रहा है। चलिए अब यहां पर देखिए, यहां पर 84 है, ये 4 से कट जाएगा बिल्कुल। यहां पर 44 है, ये भी 4 से कट जाएगा बिल्कुल। या तो ऑप्शन सी सही होगा या तो ऑप्शन डी सही होगा। अब चूंकि 4 से दोनों कट रहे हैं, अब हमको चेक करना है किससे, 3 से चेक करना है। आइए 3 से चेक करते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, 5 और 4 9 होता है, 2 और 1 3 होता है, 9 3 से कट जाता है,
और 8, 4, 12 भी 3 से कट जाता है, ऑप्शन आपका सी सही होगा। अगर मान लीजिए हम डी ऑप्शन पर नजर डालें तो देखिए सबसे पहले 9 कट जाएगा आपका 3 से, अब उसके बाद देखा जाए 5 और 4, 9 ये भी आपका 3 से कट जाएगा, 8 और 4, 12 भी 3 से कट जाएगा, लेकिन यहां पर 4 बचा हुआ है, ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। ऑप्शन क्या होगा, केवल सी वाला सही होगा। ऑप्शन क्या होगा, केवल सी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए 8वें नंबर का। यहां पर क्या लिखा है, 13 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। ये एसएससी एमटीएस ऑनलाइन परीक्षा 2017 में पूछा गया है। तो जितने भी परीक्षाएं एसएससी की हुई हैं, हर वर्ष के क्वेश्चन को लिया गया है, उनका एक कैटेगरी बनाया गया है कि ये इस टाइप के प्रकार, इस प्रकार के क्वेश्चन हैं। इस प्रकार के अगर हमारे पास 20 क्वेश्चन हैं तो हम 20 क्वेश्चन को नहीं बनाएंगे, 20 क्वेश्चन को बुक में नहीं डालेंगे, केवल एक क्वेश्चन को डालेंगे, बाकी अपना 19 क्वेश्चन बच्चा खुद लगाएगा, वह एक क्वेश्चन केवल लगाकर। ठीक है, यहां पर कहा जा रहा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो आप देखिएगा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 999 होता है। ठीक है, और ये कह रहा है 13 से विभाजित होनी चाहिए, तो चलिए इसमें हम 13 से भाग देते हैं। अगर 13 से आप भाग देंगे तो कितना आएगा भाई, 13 से 91। ठीक है, यहां पर क्या बचेगा आपका, यहां पर बचेगा 8। अब यहां पे क्या लिखेंगे आप, 9 लिखेंगे। ठीक है, 13 6 78 78 हो गया। अब घटाइए इसको, क्या आएगा, 1 आएगा, यहां पर भी क्या आया, 1 आया। ठीक है, 11 यहां पर है, 11 क्या है, यहां पर है। आपको 13 से काटना था और कह रहा है आपसे क्या कि हमको 3 अंकों की अंक चाहिए, 3 अंकों की संख्या चाहिए। अगर इसमें आप कुछ जोड़ेंगे, अगर 999 में अगर आप कुछ भी जोड़ेंगे तो संख्या 4 अंकों की बन जाएगी। तो आप क्या करिएगा कि जो 11 ये शेष बच रहा है ना, इसी को घटा दीजिए आप, 999 में से आप 11 घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, 889 988 आएगा आपके सवाल का आंसर। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा आपका, बी सही हो जाएगा। अगर 4 अंकों के पूछा होता तो हम लोग क्या करते, जोड़ते, लेकिन 3 ही अंक का क्वेश्चन है, इसमें अगर कुछ भी जोड़ेंगे तो ये संख्या 4 अंकों की बन जाएगी, जो कि हमारा गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन को लगाने से पहले बहुत बारीकी से ध्यान से पढ़ा करिए। ठीक है, चलिए यहां पर क्या लिखा, 9वां क्वेश्चन लिखा है कि दिए गए मान में से कौन सा 18 से पूर्णतः विभाजित है। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो 18 है, जो 18 है ये अपने आप में अकेला नहीं है, ये अपने आप में अकेला नहीं है, किसी न किसी से मिलकर बना है। तो किससे किससे मिलकर बना है, तो आप कहेंगे कि यह 2 और 9 से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है मेरे भाई, 2 और 9 से मिलकर बना है। अगर यह 18 से विभाजित है तो 2 से भी कट रहा होगा और 3 से भी कट रहा होगा, सॉरी 9 से भी कट रहा होगा। तो चलिए अगर 2 से काटने की पहचान देखा जाए तो कोई भी संख्या दिया हो उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए। तो चलिए एक ऑप्शन तो आपका ऐसे ही कैंसिल हो गया क्योंकि यहां पर इवन नंबर नहीं है, यहां पर इवन नंबर नहीं है। चलिए और आपसे चेक करते हैं भाई, यहां पर इवन नंबर है, यहां भी इवन नंबर है, यहां भी इवन नंबर है। चलिए 2 से तो पास हो गया, 2 से तो पास हो गया, अब 9 से चेक करना है। आइए 9 से चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे, तो 9 से चेक करने के लिए हमको काटना पड़ेगा अंकों के योग से। देखिए 6 4 10 10 2 12 13 ये नहीं कट रहा है। आइए 6 और 3 9 से काटना है, 3 से नहीं काटना, गलती मत करिएगा, 9 से काटना है। तो देखिए 6 और 3 9 ये तो कट गया, 2 और 1 3 नहीं कट रहा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसको चेक करिए, 7 2 9 होता है, 8 और 1 9 होता है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई 10वें नंबर का, 10वें नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। देखिए एसएससी सीजीएल 18 जुलाई 2023 में फर्स्ट शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से विभाजित है। अब 24 से कटने की बात कह रहा है, तो आप बताइएगा 24 अपने आप में स्वतंत्र है, तो आप कहेंगे नहीं, 24 किसी ना किसी का गुणा करके बना है। किसका गुणा करके बना है मेरे भाई, तो आप कहेंगे 8 और 3 का गुणा करके बना है। 8 और 3 का गुणा करके बना है, मतलब वो संख्या 8 से भी कट रही होगी और 3 से भी कट रही होगी। जो भी संख्या यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं वो संख्या 8 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी, तभी जाकर 24 से कट पाएगी। तो चलिए 8 से काटने का पहचान क्या है, 8 से काटने का पहचान ये है कि उसके लास्ट के 3 नंबर 8 से कटने चाहिए,
उसके लास्ट के तीन नंबर 8 से कटने चाहिए। तो 512 में अगर हम 8 से भाग देंगे तो चूंकि 8 का क्यूब भी 512 होता है, तो चलिए ये तो 8 से कट गया ये 8 से कट गया, इसको चेक करिए भाई, 8 एक का 8, 8 दूनी 16, 8 ये भी 8 से कट गया, चलिए इसको काटिए आप। अब आप इसको अगर 8 से काटेंगे तो 8 नवा 72 होता है, 4 बचेगा, 8 पच्चे 40 हो जाएगा, ये भी 8 से कट जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा 8 अट्ठे 64 होता है और 2 बचेगा, ये 8 से नहीं कटेगा, ये 8 से नहीं कट रहा है, बाकी 3 ऑप्शन तो आपके 8 से कट रहे हैं। अब हमको चेक करना किससे है, अब हमको 3 से चेक करना है, 3 की बारी है, चलिए अब 3 से चेक करते हैं। ऑप्शन आपका डी तो हट गया, डी ऑप्शन तो नहीं होना है आंसर। अब इन्हीं तीनों में से कोई एक आंसर है, हमको 3 से काट के चेक करना। देखिए 9 से काटेंगे, 3 से काटेंगे तो 9 कट जाएगा, 2 और 1 3 होता है, 5 और 4 9 होता है, ऑप्शन आपका पहला ही सही है, ऑप्शन आपका पहला ही सही है, बाकी और भी ऑप्शन चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 6 और 6 12, 7 4 11 ये नहीं कट रहा है, इसको चेक करिए, 9 से ये कट गया, 6 और 6 6 बाई 6 भी 3 से कट जाएगा, 8 और 2 10 10 3 से नहीं कटता, 10 3 से नहीं कटता। तो डिविजिबिलिटी रूल पढ़ने के लिए आप पहले क्लास को पढ़िएगा, उस पहले क्लास में सारे नियम सारे कानून बताए गए हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन को काटना है, किस संख्या से कौन संख्या कटेगी, उसका पहचान क्या है, ये सारी बातें आपको बताई गई हैं। तो अगर आप पहली क्लास को देख लेंगे तो ये सब क्वेश्चन आपको एकदम इजी लगेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए, लिखा निम्नलिखित में से कितनी संख्याएं 32 से विभाजित हैं, कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 32 से विभाजित हैं, ठीक है। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, यहां पर लिखा है अगर 32 की बात करें तो 32 अपने आप में क्या अकेला है, नहीं भाई, 32 कैसे बना है, 32 को अगर ध्यान दिया जाए तो 32 अपने आप में दो दो का मल्टीपल करके बना है, दो दो का क्या है, मल्टीपल करके बना है। और आपको पता है कि 32 में केवल दो दो से गुणा करके ही बनाया गया, किसी और संख्या का इसमें हस्तक्षेप नहीं है। तो आप क्या करिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप 32 से सब में भाग दीजिएगा, सब में क्या कर देंगे, भाग देंगे, तब जाकर आपको गेस होगा कि भाई हाँ 3 संख्याएं कटने वाली हैं कि 4 संख्याएं कटने वाली हैं कि 5 संख्याएं कटने वाली हैं, ठीक है। जैसे अगर आप 32 से अगर 192 में भाग देंगे तो ये संख्या कटेगी, बिल्कुल भाई देखिए, अगर आप यहाँ पर भाग देकर देखेंगे तो 192 में भाग देना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पर 1008 में भाग देना पड़ेगा, इसमें आपको सब में भाग देना पड़ेगा। और भाग देकर देखिएगा जो संख्या, वैसे पता चला 3 संख्याएं कट गई तो ऑप्शन बी होगा, 4 संख्याएं कट गई तो ऑप्शन सी होगा। तो आपको डिवाइड करके चेक करना है, इसमें कोई बहुत बड़ी लॉजिक नहीं है, आपको सिंपली भाग देना ही पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर का, यहां पर संख्याएं दी गई हैं और पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 33 से विभाजित है, 33 से कटने वाली है। अब बताइए 33 आपका क्या अकेले है, नहीं, 33 किससे मिलकर बना है, 33 अगर देखा जाए तो 33 आपका 11 और 3 का गुणा करके बना है, 11 और 3 का गुणा करके बना है, ठीक है। अब तो 11 और 3 से कैसे भाई चेक किया जाए, तो 11 का तो नियम बहुत अलग है और 3 का नियम आसान है भाई, 3 से काटने के लिए हमको अंकों का योग चेक करना पड़ेगा। तो देखिए 5 और 5 10, 10 और 8 18, चलिए कट गया, और 3 से तो ये कटेगा, चलिए पहली संख्या तो 3 से कट गई, इसको चेक करिए, 3 से 3 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, 3 से 6 कटेगा, 3 से 9 कटेगा, चलिए ये 3 से नहीं कट रहा है। अगर 3 से नहीं कट रहा है तो 11 से कट भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कहेंगे ऑप्शन बी गलत है, क्योंकि ये 3 से ही नहीं कट रहा है। अगर 11 से मान लीजिए कट भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, 33 से नहीं कटने वाला है ये। अब इससे चेक करिए, देखिए 5 और 5 10, 10 और 8 18, 18 3 से कट जाएगा, 3 3 से कट जाएगा, चलिए आगे चेक करिए, यहां पर देखिए ये हो गया, 6 कट जाएगा 3 से, 3 कट जाएगा 3 से, 8 5 13 ये भी नहीं कटेगा। तो दो ऑप्शन तो आपके ऐसे ही कट गए जो 3 से ही नहीं डिवाइड हो रहे हैं। अब 11 से काटने की बारी आ गई है, 11 से काटने की बारी आ गई, चलिए आइए चेक करते हैं 11 से काटने की बारी। 11 का नियम क्या कहता है कि इनको एक छोड़कर एक अंकों को जोड़ दीजिए, चलिए जोड़ते हैं, तो 8 और 5 13 हो गया, 13 और 3 कितना हो गया मेरे भाई, 16 हो गया, ठीक है। चलिए इनको हटाइए क्योंकि ये दोनों ऑप्शन तो गलत पहले से ही है, इनको जोड़िए, 0 और 5 कितना हो गया, 5, अगर 16 में से 5 कम कर देंगे तो क्या आएगा, 11 आएगा। और डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 क्या कहता है,
11 से डिवाइड होने का नियम क्या कहता है कि इन दोनों को जोड़िए, उनका गैप निकालिए, और गैप अगर उनका 11 आता है, 11 का मल्टीपल आता है या तो 0 आता है, तो वो संख्या आपकी क्या होगी, 11 से डिवाइड हो जाएगी। तो पहला ऑप्शन जो है ये 11 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, तो 11 से भी कट गया, 3 से भी कट गया, तो ये 33 से भी कट जाएगा। अगर इसको आप चेक करना चाहें तो चेक कर लीजिए, आपकी इच्छा है तो। 8 और 5 कितना हो गया मेरे भाई, 13 हो गया, ठीक है। अब इसको जोड़ लीजिए, इनको जोड़ लीजिए, ये कितना हो गया, 0 और 5 5, 5 और 3 8, अगर 13 में से 8 घटाएंगे तो क्या आएगा, 5, जो कि ये 5 नहीं, ये अंतर 11 होता या 11 का मल्टीपल 22 होता, 44 होता या तो 0 होता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अब यहां पर 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, लिखा तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 35 से पूर्णतः विभाजित है। अब बताइए 35 से काटना है तो 35 अपने आप में अकेला तो है नहीं, आप सभी लोग जानते हैं 35 किससे किससे मिलकर बना है, तो 35 मिलकर बना है 5 और 7 से, किससे मिलकर बना है मेरे भाई, 5 और 7 का गुणा करके बना है। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 भी आपको पता होना चाहिए और डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अब देखिए क्या करेंगे आप, तो 5 से देखिए काटना है तो आप कह सकते हैं कि 5 से तो ये नहीं कटेगा, क्योंकि 5 से वही संख्या कटेगा जिसकी यूनिट डिजिट या तो 0 हो या तो 5 हो, जिसकी यूनिट डिजिट क्या हो, या तो 0 हो या तो 5 हो, इसके अलावा कोई संख्या 5 से डिवाइड नहीं हो सकती। तो चलिए पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, 5 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। अब 7 की बात करते हैं, 7 की पहचान क्या है कि जो यूनिट डिजिट है उसका दुगुना कर दीजिए, ठीक है, और दुगुना करके शेष में से घटा दीजिए, तो 5 का दुगुना 10 हो जाएगा, और 10 अगर 98 में से मैं घटा दूं तो कितना आएगा, 88 आएगा, 88 7 से डिवाइड नहीं होगा, ये भी हट जाएगा। यहां पर देखिए ये क्या आएगा, 5 का दुगुना 10 हो जाएगा, और अगर हम इसमें क्या कर दें, अगर हम 10 99 में से 10 अगर घटा देंगे तो कितना आएगा, 89 आएगा, ये भी आपका नहीं होगा। चलिए इसको देखिए, यहां पर देखिए ये 0 है भाई, ये क्या है, अच्छा एक मिनट पूछा क्या है आपसे, तीन अंकों के पूछा है मेरे भाई, तीन अंकों के, ये ऑप्शन जो दिए हैं ना ये ऑप्शन नहीं है, ये पूछा क्या है आपसे कि 35 से कटना चाहिए और वो भी ये नहीं, तीन अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कटना चाहिए। तो एक काम करिएगा, तीन अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो सकती है, 999 हो सकता है, यही है ही, और इसमें आप 35 से भाग दे दीजिए, इसमें क्या कर देंगे, 35 से भाग दे दीजिए। चलिए अब कितना बार ले जाएंगे, दो बार ले जाएंगे हम लोग, जब दो बार ले जाएंगे तो कितना आएगा, 70 आएगा, ठीक है, घटा दीजिए, यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, अब ये कितना हो गया आपका, 99, ठीक है, 299। अब कितना बार ले जाएं भाई, देखिए 3 6 18, 9 बार ले जाएं क्या, देख लीजिए एक बार, चलिए 8 बार ले जाते हैं, 8 5 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 4 बचेगा, ठीक है, 8 3 24, 24 और 4 कितना हो जाएगा, 28 288 80, यहां पे घटाएंगे तो 9, यहां पे घटाएंगे तो 1, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करें, ये 19 आपका बच रहा है, अगर ये 19 ना रहा होता तो पूरी संख्या आपकी कट जाती, तो आइए घटा दीजिए, 999 में से अगर आप 19 घटा दें तो आपके सवाल का आंसर आ जाएगा, यहां 0 हो जाएगा, यहां पर 8 हो जाएगा, यहां पर 9, यहां पर क्या हो जाएगा, 9, 980 आएगा, 980 ऑप्शन देखिए सी में दिए, ऑप्शन आपके डी में दिया है। और वैसे भी देखिए अगर हम लोग चेक कर रहे थे तो हम लोग तीन ऑप्शन तो चेक ही कर लिए थे, तब नजर पड़ गया क्वेश्चन पर कि क्वेश्चन तो ये नहीं, क्वेश्चन कुछ और पूछा था, तो क्वेश्चन पूछा है कि तीन अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 35 से डिवाइड हो रही हो, तो तीन अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या 999 है, इसमें अगर 35 से डिवाइड करेंगे तो 19 आपका शेष बच रहा है, रिमाइंडर आपका बच रहा है, ये रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। तो हमने क्या किया कि 999 में से हमने क्या किया, रिमाइंडर को घटा दिया, आपके सवाल का आंसर आपको मिल गया, आपके सवाल का आंसर आपको मिल गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर क्या लिखा है, यहां पर लिखा है 14 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 36 से विभाजित है। अब 36 किससे मिलकर बना है बताइए, अगर मैं 36 की बात करूं तो 36 किससे मिलकर बना है, तो ये बना है 9 × 4 से, किससे मिलकर बना है मेरे भाई, 9 × 4 से, 9 4 36 होता है, तो 36 से वही संख्या कटेगी जो 4 से कटेगी और 9 से कटेगी। तो चलिए हम पहले 4 से चेक करेंगे कि पहले 9 से चेक करेंगे, हम पहले 4 से चेक करेंगे, किससे चेक करेंगे, हम पहले 4 से चेक करेंगे, क्योंकि 4 से कटने का पहचान क्या है,
कि लास्ट के केवल दो नंबर चार से कटने चाहिए, तो हम केवल दो दो नंबर पर नजर डालेंगे। देखिए 40 लिखा है, ये भी चार से कट जाएगा। 12 लिखा है, ये भी चार से कट जाएगा, ये भी चार से कट जाएगा। 42 लिखा है, ये चार से नहीं कटेगा, ये चार से 42 आपका चार से नहीं कटेगा। 72 लिखा है, ये भी चार से कट जाएगा। तो चलिए डी ऑप्शन छोड़कर तीन ऑप्शन तो चार से कट रहे हैं। अब बारी किसकी है? 9 से। चलिए 9 से काट लेते हैं, 9 से काट लेते हैं। ठीक है, देखिए 8 और 8 16, 16 और 4 22, 22 आपका 9 से नहीं कटता है भाई। 5 और 5 10, 5 15, 15 1 16, 16 2 18, 18 आपका 9 से कटेगा। देख लीजिए 5 5 10 5 15, 15 1 16, 16 2 18, 18 9 से कटेगा। इसको चेक करिए, 9 से काटना है, 9 9 से कट जाएगा, 7 2 9 9 से कट जाएगा, 6 2 8 ये भी नहीं कटेगा। ऑप्शन केवल आपका बी सही होगा। कब पूछा गया था? एसएससी सीजीएल 2019-2023 में पूछा गया, एसएससी सीजीएल के एग्जाम में ये 2023 में ये सवाल पूछा गया है। तो कितने इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे थे, लेकिन आप ये जानते रहिएगा कि इस टाइप के हमको सैकड़ों सवाल नहीं लगाने हैं आपके लिए। वो जो किताब मैथ की आई है घटना चक्र के द्वारा, मौन मंत्र की, अगर आप उस किताब को ले लेंगे ना, तो उस किताब में हर वैरायटी के एक एक क्वेश्चन दिए गए हैं, और उन क्वेश्चनों को लगाकर आप पूरे गारंटी के साथ, पूरे दावा के साथ कहते हैं मुझे पूरी मैथ आती है। क्यों? क्योंकि मैंने वो चीज पढ़ा है जो किसी ने अभी तक नहीं पढ़ा है, ठीक है, और बहुत कम समय में भी पढ़ा है। 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए, लिखा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 44 से विभाजित है। अब 44 से कटने की बात कह रहा है, तो 44 पता ही अकेला है कि किसी से मिलकर बना है, तो आप कहेंगे 44 जो है वह 11 और 4 से मिलकर बना है, 11 और 4 से मिलकर बना है। तो बताइएगा 4 से कटने का पहचान क्या है भाई, कि लास्ट के दो नंबर कटने चाहिए। 72 भी कट जाएगा 4 से, 36 भी कट जाएगा 4 से, 48 भी कट जाएगा 4 से, लेकिन ये नहीं कटेगा 4 से, ये नहीं कटेगा 4 से। अगर ये नहीं कटेगा तो हम कहेंगे तीन ऑप्शन तो कट रहे हैं। अब 11 से चेक करने की बारी है, चलिए 11 से काटा जाए, 11 से काटिए इनको। देखिए 4 और 2 6, और 9 में जोड़ेंगे 6, तो 9 6 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। यहां पर देखिए 7 और 3 10, 10 15 में से 10 कम करेंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा। चलिए ये ऑप्शन नहीं होना है, आगे चेक करिए। 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8 रहेगा, 8 और 2 क्या हो गया? 10 हो गया। यहां पर देखिए 7 और 4 11 हो गया, 11 और 10 का अंतर निकालेंगे तो भाई अंतर 1 आएगा। चलिए ये भी नहीं होगा। इसको देखिए यहां पर, देखिए मैं कलर चेंज कर लूं, यहां देखिए 7 6 13, 13 5 कितना होता है? 18 होता है। यहां पर देखिए 4 और 3 7, 18 में से अगर 7 कम करेंगे तो क्या आएगा? 18 में से अगर 7 कम करेंगे तो क्या आएगा? 11 आएगा। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। चलिए चलिए अब यहां पर देखिए, यहां पर देखिए क्या पूछा गया है कि 16 नंबर का क्वेश्चन है, लिखा 6 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो 53 से पूर्णतः विभाजित है। और यह क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस 2021 और 2017 के सेकंड पाली में पूछे गए हैं। तो हमको बताना है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, और वो भी 53 से डिवाइड हो रहा हो। चलिए आइए चेक करते हैं। ठीक है, हो गया। चलिए 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये हो गई आपकी, ये 53 से कह रहा कट रहा है। अगर 53 से कट रहा है तो हम 53 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। आइए भाई डिवाइड करते हैं, एकदम सिंपल प्रोसेस है इसका। क्या करेंगे आप? एक बार ले जाएंगे, एक बार ले जाएंगे, 53 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका? 43 आएगा। कितना आएगा? 43 आएगा। उसके बाद देखिए फिर क्या करेंगे आप? जीरो नीचे ले जाएंगे। अब जब जीरो ले जाएंगे तो क्या करेंगे? कितना बार ले जाएं भाई? 8 बार ले जाएं, 8 बार ले जाइए। चलिए 8 त्रिक 24 हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा? 2 8 25 40, 40 और 2 कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा आपका? 6 बचेगा। फिर क्या लिखेंगे नीचे? जीरो लिखेंगे। देखिए ध्यान से देखिए, ये वाला जीरो निकाल रहे हैं नीचे आप, ठीक है, ये वाला यहाँ लाए थे आप, ध्यान समझते रहे गड़बड़ी ना होने पाए। फिर एक बार ले जाएंगे कितना हो जाएगा? ये 53 हो जाएगा। अब घटाएंगे तो क्या आएगा? 7 आएगा। फिर जीरो नीचे ले जाएंगे आप, कितना होगा? 70 हो गया। फिर एक बार ले जाइए, कितना हो गया? 53 हो गया। घटाएंगे तो कितना आएगा आपका? 17 आएगा। कितना आएगा? 17 आएगा। तो आपको बताना क्या है, ध्यान दीजिए, आपको बताना क्या है, इसमें से 17 आपका बच रहा है,
जबकि 53 से भाग देना था, तो 53 में से 17 घटा दीजिए, 53 में से 17 घटा दीजिए, कितना आएगा भाई? अगर 13 में से 7 कम करेंगे तो क्या आएगा? 6, और यहाँ पे क्या बचेगा आपका? 4, 4 में से गया 36, ठीक है 36। तो इसमें क्या कर दीजिए आप, 36 और जोड़ दीजिए, क्या कर देंगे आप? 36 और जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए यहां पर देखिएगा चीजों को, फिर से एक बार देखिएगा, गलत हमने अंक लिख दिया, उस वजह से पूरा कैलकुलेशन ही गलत हो गया भाई। जाहिर बात है मैथ में अगर एक अंक बदल जाता है तो पूरा कैलकुलेशन यहाँ पर गलत हो जाता है। एक बार ले जाएंगे आप यहाँ पर तो कितना आएगा आपका? 53 आएगा, और 53 इसमें से अगर आप कम करेंगे तो 10 में से 3 कम करेंगे क्या आएगा? 7 आएगा, और यहाँ पे क्या हो गया? 9, 9 में से अगर 5 कम करेंगे तो आएगा 4, 47 होगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया था? 43 लिख दिया था, यही गलत हो गया था। अब देखिए फिर 0 आप नीचे उतारेंगे कितना हो गया? 470 हो गया, ठीक है। क्या करेंगे आप? 9 बार ले जाइए, 9 त्रिक 27 हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा? 2, और 9 पच्चे 45, 45 से 2 से कितना हो जाएगा? 47। अच्छा ज़्यादा हो गया, 8 ही बार ले जाते हैं, 8 बार ले जाइए, 8 कितना हो गया? 24 हो गया, ठीक है। 2 बचेगा, 8 पच्चे 40, 40 से 2 42 हो जाएगा। चलिए अब देखिएगा, ठीक है। चलिए 10 में से 6 कम करें, 4 कम करेंगे तो 6 आएगा, 6 में से अगर 2 कम करेंगे तो 4 आएगा, यहाँ पर आ गया 0। अब फिर एक 0 नीचे ले जाइए, एक 0 नीचे ले आइए, अब कितना हो गया? 460 हो गया है। फिर 8 बार ले जाइए, 8 बार जब ले जाएंगे तो कितना आएगा आपका? 424 आएगा, 424 आएगा। 10 में से 6 कम करेंगे तो 4 कम करेंगे 6 आएगा यहाँ पर, 5 में से 3 2 कम करेंगे तो 3 आएगा, यहाँ पर आएगा 0। फिर बताइए क्या होगा? 6 बार ले जाएंगे तो कितना आएगा भाई? 6 नहीं 7 बार ले जाते हैं, 7 बार ले जाइए तो 7 3 21 हो गया, 2 बचेगा, 7 25 35, 35 और 2 कितना हो जाएगा? 7 3 21 और 2 5 से 35 एक 36, ज़्यादा हो जाएगा क्या लगता है? 6 ही बार ले जाते हैं हम लोग, 6 3 18 हो जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा, 1 बचेगा आपका, और 6 25 30 और 30 और 1 31, ठीक है। ये सही है, ज़्यादा हो जा रहा था, हमने कम लिख दिया। अब अगर 10 में से 8 कम करेंगे तो क्या आएगा? 2, यहाँ पे क्या बचा? 5, 5 में से 1 कम करेंगे 4, 42 आया है, 42 आया है, और हमें 53 से डिवाइड करना था, तो 53 में से अगर मैं 42 घटा दूं, अगर मैं घटा दूं तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए तो 6 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है इसमें 11 जोड़ना पड़ेगा, और 11 जब जोड़ देंगे तो क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। और पिछली बार एक डिजिट यहीं पर, यहाँ पर 3 हो गया था, इसकी वजह से पूरा कैलकुलेशन गलत हो गया था, जो आंसर में मैच नहीं कर रहा था। तो चलिए अब चीज़ें आपकी क्लियर हैं, तो अगला क्वेश्चन एक बार और देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है 17 नंबर का क्वेश्चन, और इस 17 नंबर के क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग यहीं पर ब्रेक करते हैं। और क्योंकि अभी सेम क्वेश्चन ऐसा हम लोग लगाए हैं कि 6 अंकों की सबसे छोटी छोटी संख्या कौन होगी जो 71 से डिवाइड होगी, तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है भाई? एक के आगे क्या लगा देंगे? 5 जीरो लगा देंगे, यही सबसे छोटी संख्या है, इसी में आपको 71 से डिवाइड करना है। और डिवाइड करने के बाद जैसा सेम क्वेश्चन अभी हम पिछली बार यहाँ पर लगाए हैं सेम उसी पैटर्न पर है, तो चलिए ये क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं, कल से हम लोग क्लास को फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।